अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या रियासत कर्नाटक का सियासी मंजरनामा बदल रहा है, क्या तस्वीर है, इस पर नजर डालने से पहले अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज काकती में कुछ नामालूम गुंडों की जानिब से एक बेरोजगार नौजवान जो पिछले 9 सालों से काम की तलाश में था, अपनी वालिदा के साथ इसने हाल ही में छोटा टी स्टॉल शुरू किया था, लेकिन कुछ गुंडों ने इसमें आग लगा दी, जिससे एक बार फिर माँ बेटे का गुजारा करना मुश्किल हो गया। किसी हाल में फिर से इमदाद के जरिए मदद का ऐलान किया गया। इसका नाम नागराज अमाशी बताया जा रहा है। आज वजीर शरण प्रकाश पाटिल ने बिम्स अस्पताल का जायजा लिया। इस वक्त एमएलए जनाब आसिफ सेठ भी मौजूद रहे। बिम्स की तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए जल्द 450 बेड के लिए मंजूरी भी दे दी। आज फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर मुनियप्पा ने ऐलान करते हुए कहा कि बीपीएल और एपीएल कार्डों की तकसीम आज से शुरू की जाएगी। काफी दिनों से ये काम रुका हुआ था जिसका इंतजार आवाम को था, लिहाजा आज से एपीएल बीपीएल कार्डों की तकसीम शुरू की गई। आज आला ठेकेदारों यानी क्लास वन कॉन्ट्रैक्टरों को पैकेज तरीके से कामों को देने की मुखालफत करते हुए इस तरीके को बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले तो ठेकेदारों में काम मिलना मुश्किल हो गया। तकरीबन हर ठेकेदार के पास 100 से भी ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इनके तमाम के घरों की जिम्मेदारी भी जाहिर है इन्हीं ठेकेदारों की है, लिहाजा पैकेज तरीके से हमें नुकसान हो रहा है, ऐसा कहते हुए जल्द पैकेज तरीके को बदलने की मांग की। ನಗರ ಸಚಿವರ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯನ್ನ ನಮ್ ನಿರಂತರ ನಾವು ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 200 ಜನ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 8,000 ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅವರು ಖಾಲಿ, ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೂರು 4 ವರ್ಷದೇನೆ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ 1 ಕೋಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಿರಂತರ 1 ವಾರ ಆಗಲಿ 15 ದಿವಸ ಆಗಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. मुस्लिम बच्चों में तालीम और सही रहनुमाई की गर्ज से रहमान फाउंडेशन की जानिब से तालीमी वर्कशॉप रखा गया, जिसमें PUC, AIEEG, नीट, CET और दिगर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें इस पर बताया जाएगा। अब रोज इतवार 15 नवंबर बवक्त सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक नुमानी ट्यूशन क्लास दुल्हन हॉल सुभाष नगर में ये वर्कशॉप रखा गया है। अब आज के मौजू की तरफ रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले 5 रियासतों के चुनाव होने जा रहे हैं। तकरीबन रियासतों में कांग्रेस इक्तदार पर आने की बात कही तो जा रही है। मिजोरम में तो भाजपा के साथ कोई भी दूसरी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मणिपुर फसाद का असर आज भी वहां देखने को मिल रहा है। राजस्थान में हो सकता है कि भाजपा आ सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में फिर से कमल की बजाय कमलनाथ हुकूमत बना सकते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। खैर, मजहबी ध्रुवीकरण के चलते भाजपा की शिकस्त यकीनी कही जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत और आवाम को कई मुफ्त स्कीमों का ऐलान और कर्नाटक हुकूमत वादों को निभाती भी देखी जा रही है। भाजपा के बड़े लीडर कांग्रेस ने झूठ कहा ऐसा प्रोपोगंडा तो फैला रही है, लेकिन झूठा कौन है ये भी तो आवाम देख रही है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे कुछ हद तक ही क्यों ना हो पर अमल जरूर हो रहा है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 2000 रुपए खवातिनों के अकाउंट में, शक्ति योजना के तहत खवातिनों को मुफ्त बस वगैरह और इन तमाम स्कीमों का असर दिगर रियासतों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इख्तदार पर जरूर आई और उसके साथ आपसे इख्तलाफात भी जारी हुए। वैसे सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार तनाजा काफी पुराना कहा जाता है, लेकिन दोनों भी पार्टी के एक दो पिलर की तरह है, दो सुतून की तरह है। दोनों भी अपने तौर पर दिग्गज का ईद माने जाते हैं। डीके शिवकुमार को तो ट्रबल शूटर कहा जाता है और इनके कई कारनामे ऐसे हैं जो काबिले तवज्जो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तनाजा भले बड़े पैमाने पर नजर न आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उभर कर सामने भी आता जा रहा है। सिद्धरामैया जब वजीर आला बने तो डीके शिवकुमार भी वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमों ने इनके इस ख्वाब को कहीं तो मुकम्मल होने नहीं दिया। फिर हाल ही में अदालत के फैसले भी इसकी वजह बने कि 2.5 साल सिद्धरामैया और 2.5 साल डीके शी, इस तरह पहले अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन अब सिद्धरामैया ने पूरे 5 साल खुद ही वजीर आला बनने के फैसले पर एक तरह से मुहर लगा दी है। लेकिन मामला अब तक पूरा सुलझा नहीं है क्योंकि इख्तलाफात अब भी जारी है और इन्हीं इख्तलाफात के चलते हाईकमान ने वजीर दाखला के घर मीटिंग तलब फरमाई, जिसमें रणदीप सुरजेवाला केसी वेणुगोपाल ने जिम्मेदारी संभाल ली थी। क्या 5 साल खुद ही वजीर आला होने का ऐलान, या ये कह देना कि दलित या पिछड़ी जाति के शख्स को वजीर आला बनाना के बाद कहीं तो फिर से बेलगाम की सियासत की तरफ इशारा तो नहीं करती। सभी जानते हैं कि बेलगाम में लक्ष्मी हेब्बाळकर जारकीहोळी तनाजा काफी मशहूर है। लक्ष्मी हेब्बाळकर अब रियासत की वजीर बनी है तो इनके भाई चन्नाराज हट्टीवली या मेलसी हैं। जाहिर है कुछ हद तक लक्ष्मी अक्का का सियासी कद बढ़ चुका है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर अगली खातून कोई वजीर आला बन सकती है तो वो लक्ष्मी हेब्बाळकर है। पर अब जब दलित और पिछड़े सीएम का शगुफा जो छोड़ा जा रहा है, क्या सतीश जारकीहोळी अगले वजीर आला तो नहीं है, ऐसा सवालिया निशान भी बतौर कयास लगाया जा रहा है। पूरे 5 साल खुद ही सीएम के ऐलान पर एतराजात के चलते सिद्धरामैया ने अपनी रिहायशगाह कावेरी में नाश्ते का इंतजाम किया था, जिसमें डीके शिवकुमार के साथ दिगर 15 रुकने असेंबली मौजूद थे। पर यहां सतीश जारकीहोळी गैर मौजूद रहे, गैर मौजूदगी की वजह तबीयत नासाज बताई जा रही है। लेकिन अब ये भी चर्चा का मौजू बन रहा है, बेलगाम में रहते हुए क्यों नहीं ब्रेकफास्ट में शरीक रहे पर सवालात किया जा रहा है। क्या 2.5 साल का अरसा सिद्धरामैया का मुकम्मल होने पर सतीश जारकीहोळी अगले सीएम बन सकते हैं, क्या इस पर भी तबसरे देखने को मिल रहा है। लिहाजा निगम मंडल के अहदे जल्द तकसीम किए जाने वाले हैं और इसे लेकर भी सिद्धरामैया और डीकेशी में रस्साकशी नजर आ रही है और इख्तलाफात यहां भी शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। डीके शिवकुमार की रफ्तार मुकदमों के चलते धीमी हो चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डीकेशी को राहत देने से इनकार भी किया, लिहाजा जाहिर है तराजू का पलड़ा सिद्धरामैया की तरफ झुक चुका है। इसी दरमियान एक और सियासी जलजले से कम बयान जेडीएस के कुमार स्वामी ने दिया। आज साफियों से मुखातिब होते हुए जेडीएस के सदर कुमार स्वामी ने कहा कि अगर डीके शिवकुमार वजीर आला बनना चाहते हैं तो बिलाशर्त जेडीएस के 19 एमएलए डीके शिवकुमार की हिमायत में होंगे। कुमार स्वामी के इस ऑफर ने सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। क्या कुछ भाजपा के बागी और जेडीएस के 19 और कांग्रेस डीके सी के हिमायत मिलकर कोई और खेला तो नहीं करेंगे, ऐसी तस्वीर भी नजर आ रही है। अब जब तक तस्वीर नजर नहीं आती कुछ नहीं कह सकते। खैर, अगर मान लो हुकूमत फिर से गिराई गई, क्योंकि आजकल उसूल, जाब्ते, गैरत, विचारधारा सियासतदानों में कहाँ है, अगर ऐसा होता तो भारत की राजनीति की इतनी घिनौनी तस्वीर से पहले कभी देखने को आपको मिलती नहीं थी। क्योंकि अगर फिर से किसी तरह हुकूमत गिरती है तो किसी और का नुकसान हो या ना हो पर मुसलमानों का नुकसान जरूर होने वाला है। भाजपा को सिवाय मुसलमानों से दुश्मनी के कुछ और नजर भी नहीं आता। अफसोस तो ये भी है कि मुस्लिम लीडरों को कौम मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद भी बहुत कुछ अच्छा हुआ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कहीं तो कांग्रेस भी नर्म हिंदुत्व को इख्तियार करते हुए देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने ऐलान तो दिगर स्कीमों का किया और कुछ हद तक अमल भी किया, लेकिन अब तक टू बी रिजर्वेशन पर खामोशी। हुबली के 150 नौजवानों को यूपीए में अब तक जेलों में रखा गया है, अब तक क्यों रिहा नहीं किया गया? आखिर मुस्लिम लीडरान इस मौजू पर खामोश क्यों है? यकीनन भाजपा से कुछ हद तक ठीक कह सकते हैं,
लेकिन क्या हर मामले में मुसलमान लीडर एमपी या एमएलए क्या घूंगे का किरदार ही निभाएंगे? और अगर जायजा लिया जाए तो मजहबी तशद्दुद तो फैलता ही जा रहा है। हुकूमत किसी की भी हो, मुकदमे तो मुसलमानों पर ही दायर किए जा रहे। इसराइल फलस्तीन की जंग आज दुनिया भर में चर्चा का मौजू है। जाहिर है मुसलमानों के जज्बात फलस्तीन से जुड़े क्योंकि मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है, पर भारत में अगर फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ कुछ हरकत की जाती है तो मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस हुकूमत में भी इसे महसूस किया जा रहा है। आखिर मुसलमानों को लेकर तमाम सियासी पार्टियों का नजरिया क्या है, इसे भी समझने की जरूरत है। हो सकता है कि कर्नाटक में हुकूमत तब्दील हो या फिर वजीर आला तब्दील हो, पर क्या मुसलमानों के मसाइल में फर्क आने वाला है, इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे भारत का जायजा लिया जाए तो सियासी तब्दीलियां नजर तो आ रही है, पर मुसलमानों के मसाइल में कुछ फर्क पड़ने वाला नजर नहीं आ रहा। क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा, मॉब लिंचिंग से लेकर फसादात या फिर मुकदमे मुसलमानों पर मुसलसल जारी है। इसका मतलब ये भी न समझे कि कोई तीसरा विकल्प मुसलमान तलाश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुसलमानों में सियासी समझदारी आज भी नहीं है और हालात हाजरा से कुछ मुसलमानों को लेना देना भी नहीं है। सबसे बिखरी हुई कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान उठाना अकलमंदी ही कह सकते हैं, और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। 5 साल खुद ही वजीर आला का सिद्धरामैया की जानिब से ऐलान, दलित या पिछड़ा वजीर आला के तौर पर सतीश जारकीहोली या फिर कुमार स्वामी का डी के शिव कुमार को सीएम बनने का ऑफर, ऐसा लग रहा है कि सियासी जलजला फिर से कर्नाटक में देखने को मिलेगा। जो भी हो, लेकिन तमाम के मद्देनजर रियासत के मुसलमानों की कुछ खास हैसियत नहीं है, ये भी उतना ही अहम कह सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। 5 वर्ष नमदे सरकार इतने नानी मुख्यमंत्री नाने मुंदोरी और मुख्यमंत्री आयतार मुख्यमंत्री ना बेगे मातार ಮತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಕೇಳಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ನೋಡೋಣ, ಅದೇನು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದಮ್ಯಾಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು.